जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रवण भैया जिंदाबाद। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से महिलाओं का विरोध, कहा विधानसभा में नहीं चलेगा बाहर का प्रत्याशी। विधानसभा के लोगों की मांग, भाजपा के युवा नेता श्रवण मिश्रा को दिया जाए टिकट। क्लियर नहीं हुई इस पर, बहुत बीजेपी मंथन कर रही है, तो आप लोगों का सुझाव क्या है कि इस मतलब, और हमें ये भी सुनाई में मिल रहा है कि कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी जो बीजेपी से चुनाव टिकट उसको दिया जा सकता है या देने की संभावना है, तो आप क्या चाहते हैं कि या आपके क्षेत्र में भारी व्यक्ति आए कि यहीं का व्यक्ति रहे? हमारे बीच में रहते वो आना चाहिए, लेकिन एक कुछ काम करे। तो मतलब श्रवण भैया ने इस प्रकार के कैसे काम किए कि आप लोग उनसे प्रभावित हैं? अच्छा, जो भी कार्यक्रम रहता है हम लोग इसमें करते हैं और आते हैं। अगर अगर भारी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारे बीच में आते हैं और जो इनने करवाए वो नहीं कर पाएंगे ना, क्या करोगे? श्रवण भैया हमारे बीच में रहते हैं, श्रवण भैया को कहां का होगा, फिर शायद आगे चल के और अच्छा हो उनके आने के बाद। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि श्रवण मिश्रा जी को टिकट दिया जाए? नहीं, तो आप लोग उनसे उनकी किन चीजों से प्रभावित हुए अभी तक कि आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है? भक्ति भाव से उन्होंने प्रभावित हुए हैं कि वो हमारे बीच में आते हैं, छोटे मोटे जो हम कार्यक्रम करते हैं ना हमारे बीच में आते हैं, फुल सहयोग करते हैं और छोटे मोटे कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे मेहंदी का आयोजन, रुद्राभिषेक, भाग ले करवाया, इसलिए हम उनको इसलिए अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे बीच में आते हैं। और अगर उनके अलावा किसी चाहिए कि जो हमारे दुख सुख में साथ दे सके और आ सके। और अगर उनके अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा जाता है तो फिर बहुत देख लिया है, बहुत सारे लोगों को देख लिया जो कि हमारे वादा तो करके जाते हैं लेकिन निभाते नहीं। जी, हम तो ये हार जाएंगे। जी अच्छा, बाहर का व्यक्ति आया तो हार जाएगा, क्योंकि हम सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रवण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।